किराना सेल्स बढ़ाने के कुछ टिप्स। कोरोना के कारण आज छोटे से बड़े हर बिजनेस को नुकसान हुआ है। किराना स्टोर की बात करें तो उसकी सेल पर भी असर पड़ा है। आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिनसे आप अपने बिजनेस में सेल और प्रॉफिट को आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। एक किराना स्टोर में आटा, तेल और चीनी, ये तीन चीजें सबसे ज्यादा मूवेबल होती हैं। इसलिए इनका रेट हमेशा वही होना चाहिए जिस पर आपने खरीदा हो। सिर्फ एक या दो रुपए का मार्जिन रखें। ऐसा इसलिए क्योंकि हर कस्टमर सबसे पहले यही सामान खरीदता है। तो अगर ये सामान आपके यहाँ बाकी स्टोर से कम दाम पर होंगे तो कस्टमर आपकी ही शॉप पर आएंगे और इन चीजों के साथ वो दूसरी चीजें भी लेंगे जिसमें आपका मार्जिन होगा। ये सामान बस आपके कस्टमर्स के साथ आपके रिलेशन को बनाता है। अपने रेगुलर कस्टमर्स के लिए भी सामान पर मार्जिन कम रखें। ये ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो आपकी इन्वेंट्री को रिसाइकल करते हैं। ऐसे आइटम्स की लिस्ट बनाएं जो मूवेबल हो, यानी जिनकी बिक्री ज्यादा हो और जिन पर प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा हो। ऐसे प्रोडक्ट्स को अपनी शॉप पर हमेशा रखें, कभी आउट ऑफ स्टॉक ना होने दें। आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिनकी बिक्री ज्यादा है पर मार्जिन बहुत कम है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को भी आउट ऑफ स्टॉक ना होने दें क्योंकि इसके कारण ग्राहक आपकी शॉप पर आ रहा है। आपके किराना स्टोर में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिनकी बिक्री ना के बराबर है। ऐसे प्रोडक्ट्स पर खास ध्यान दें, उनका स्टॉक ना रखें और अगर वो स्टॉक में है तो उन्हें ऑफर्स में चला दें, जैसे कि जिन प्रोडक्ट की बिक्री ज्यादा है उनके साथ फ्री दे दें। हर महीने लकी ड्रॉ या कुछ और ऑफर्स दें ताकि ग्राहक आपकी शॉप पर आने के लिए मोटिवेट हो। एक बात और जो आपको नुकसान से बचा सकती है वो है टाइम टू टाइम अपनी शॉप में सामान का रिव्यू करें। इससे कौन सा सामान एक्सपायर या खराब होने को है इसका पता चलते ही आप उस सामान को बाहर निकाल कर रखें और किसी हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट के साथ जोड़कर ऑफर में बेच दें ताकि प्रोडक्ट खराब होने से बचे और लॉस भी कम हो। तो ये थी कुछ ऐसी टिप्स जो आपके किराना दुकान की सेल को बढ़ा देंगी। तो आज ही इन टिप्स को अपने बिजनेस में अपनाएं और अपनी सेल और प्रॉफिट को बढ़ाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और बिजनेस टिप्स के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।